ना ही बढ़ गए। टेक्निकल स्टाफ उनके लिए जगह होनी चाहिए, उसके साथ साथ इनका रेजिडेंस का होना चाहिए। एग्जिटिंग है, अपने केस का स्टेटस मालूम कर सकता है विद इन ए सेकंड और प्रोसेस हो गई। हमारा मिशन है का जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी में ये फायदा लिटिगेंट को देने के लिए आज रामबन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो ये ई सेवा केंद्र है, जो इसकी सहायता से जो लिटिगेंट यहाँ से कोई पिटिशन हाई कोर्ट में जम्मू या श्रीनगर में करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट के, वो यहाँ के ये सहूलियत देगा, उसकी पिटिशन यहाँ फाइल होगी तो वहाँ पर रजिस्टर होगा, उसको जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके साथ ही उसको अपने डेट का स्टेटस भी मिलेगा कि किस डेट पे किस रोस्टर जज के सामने लग रहा है हाई कोर्ट, नंबर वन। नंबर दो, इसका स्टेटस जो ही वो कोर्ट केस वहाँ पे हाई कोर्ट जैसा अटेंड करेगा इसका स्टेटस भी ये मालूम कर सकता है, इसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ये फायदा है, इसको ई फाइलिंग कहते हैं। और आज के डेट से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लिटिगेंट हाई कोर्ट में फाइलिंग के लिए कोई भी केस करना चाहता है वो यहाँ से कर। आज के लिए भी हमने देखा कि कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ये जो इतने डिफिकल्ट एरिया हिली डिस्ट्रिक्ट्स है, हिली एरियाज है, किश्तवाड़ से हम गए थे, वहाँ से आए हम डोडा में, ब्राह्मण में, जम्मू में, कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मुश्किल है कि लिटिगेंट को अगर कोई मामला हो उसका तो वो कोर्ट तक पहुँचने में उसकी दुश्वारी होती है, तो वो एनडीआई छोड़ देता है। तो हमने ये इसी मिशन का एक कारण है कि हम डोर स्टेप जस्टिस के लिए उनको वो सहूलियत अपने ही घरों में देते हैं। और वो कैसे देते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी का हूँ जम्मू कश्मीर, हमने PLVs को रखा है, हमने जो भी जिसको कोई सहूलियत चाहिए थी वहाँ से उसको लेके लीगल एड अपने पैनल लॉयर को जाते हैं, वो उनकी उनकी पिटिशन तैयार करते हैं और उधर से लेके जो नेक्स्ट अवेलेबल कोर्ट होगा, मुइन कोर्ट होगा या नेक्स्ट कोर्ट होगा वहाँ तक वो लेके जाते हैं उनको, और वो जस्टिस और इंसाफ देने में उनकी सहूलियत करते हैं। और वर्चुअल मोड में जितने भी सब्जेक्ट पे आपके मैटर्स थे वो कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सारे खुले।